Good morning, students. Welcome to math class. Students, today we will complete exercise number 5.1. 5.1. Our exercise 5.1 is fractions. Fraction means bin. Fraction means bin. Yeah, bin. We नो दैट अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल सच एज फाइव अपॉन सिक्स नाइन अपॉन थ्री आप इसको फाइव बार सिक्स एंड नाइन बार सिक्स थ्री भी बोल सकते हैं बीच में जो ये लाइन है स्टूडेंट्स इसको हम बार या अपॉन बोलते हैं क्या बोलते हैं बार या अपॉन द नंबर अबाउट द बार ज कॉल्ड न्यूमरेटर जो नंबर बार के ऊपर होता है सपोज हमने लिखा फाइव बार यहां पे हम ब्लैंक्स कर देते हैं ओके okay? बार के ऊपर की संख्या को अंश कहा जाता है यहां जो फाइव है ये आपका न्यूमरेटर है इट मींस अंश ओके न्यूमरेटर मींस अंश द नंबर ब्लो द बार इज कॉल्ड डिनोमिनेटर और जो नंबर बार के नीचे होता है उसको हम भाजक या हर कहते हैं क्या कहते हैं भाजक या हर ओके लोके फाइव बार सिक्स फाइव इज योर न्यूमरेटर एंड सिक्स इज योर डिनोमिनेटर ओके अंडरस्टैंड बार से ऊपर जो डिजिट होगा उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं यानि अंश और बार के नीचे जो डिजिट होगा उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं यानी हर ओके okay? जब डिनोमीटर और अंश न्यूमरेटर और डिनोमीटर एक साथ आते हैं तभी आपका फ्रैक्शन कंप्लीट होता है ओके टाइप ऑफ फ्रैक्शंस अब जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है उनके विभिन्न प्रकार होते हैं नंबर वन लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न या भिन्नो ओके फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर लाइक फ्रैक्शंस, जिन भिन्नों का हर समान होता है उन्हें समान भिन कहते हैं ओके स्टूडेंट्स लाइक फाइव बार सिक्स फोर बार सिक्स नाइन बार सिक्स वन बार सिक्स यहां पर जो डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हैं आपके सभी सिक्स हैं इट मीन्स सेम है तो ये फ्रैक्शन आपका कौन सा फ्रैक्शन क्या लाइक फ्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाए इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं तो ये आपके लाइक फ्रैक्शन हैं यूनिट फ्रैक्शन इट मींस इकाई भिन्न और भिन्नो फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर्स एज वन और कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन जिनका अंश एक होता है उन्हें इकाई भिन्न कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वन बार नाइन वन बार फोर वन बार एट वन बार थ्री यहां पर जो आपका न्यूमरेटर है वो सभी का कैसा है वन है कैसा स्टूडेंट्स वन इट मींस ये जो आपके पूरे फ्रैक्शन हैं ये आपके यूनिट फ्रैक्शन हैं कैसे हैं यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस इट मींस असमान भिन्न या भिन्नों फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस जिन भिन्नों के हर असमान होते हैं उन्हें असमान भिन्न कहते हैं क्या असमान होंगे डिनोमिनेटर्स फॉर एग्जाम्पल फाइव बार एट फोर बार सिक्स सेवन बार नाइन वन बार फाइव टू बार सिक्स यहां पर जो डिनोमीटर है आपके वो सभी डिफरेंस हैं अलग अलग हैं इट मींस ये पूरे जो फ्रैक्शन है ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन है ओके नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस इट मीन्स उचित भिन्न और भिन्न फ्रैक्शंस numerators less लेस देन denominators आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है उन्हें उचित भिन्न कहते हैं इट मीन्स जिन भिन्नों का जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके जो न्यूमरेटर हैं वो छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से तो उन सभी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन ओके यहां पर जो फ्रैक्शन हैं उन सभी के जो न्यूमरेटर हैं वो डिनोमिनेटर से छोटे हैं देखिए है ना चलिए नेक्स्ट इम प्रॉपर फ्रैक्शन इम्रॉपर फ्रैक्शन इटमीन्स अनुचित भिन्न और भिन्नो फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर्स ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इटमींस जिन जो न्यूमरेटर डिनोमेटर से बड़े होते हैं जिन फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर्स डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ओके लुकेर फाइव बार टू यहां पर जो न्यूमरेटर वो डिनोमेटर से बड़ा है तो सभी का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है अंडरस्टैंड नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस मिश्रित भिन्न और आर ए ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। वे अंश जो एक पूर्ण संख्या के संयोजन होते हैं और एक उचित अंश भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है ओके फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका फाइव है ये आपका होल नंबर है ओके फाइव होल टू बार फाइव एट होल टू बार फोर सिक्स होल टू बार सेवन तो दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज 5.1 5.1 अभी आपने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा कि फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और हर फ्रैक्शन की क्या क्या डेफिनेशन है क्वेश्चन सर्कल इच पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस अब देखिए यहां पे जो आपको सम्स दिए गए हैं ओके okay? ये फ्रैक्शंस हैं अब आपको इन सभी में लाइक like फ्रैक्शन बताना आपको क्या बताना है लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं जिन भिन्नों के डिनोमेटर इक्वल होते हैं ओके द हुज फ्रैक्शनोमेटर्स आर इक्वल दैट इट दैट कॉल्स लाइक फ्रैक्शन तो यहां पर देखेंगे आप डिनोमेटर किस किस के इक्वल हैं आपस में ओके स्टूडेंट्स लुक नंबर ए फोर बार सेवन फाइव बार सेवन तो यहाँ पर देखिए दोनों का जो डिनोटर वो सेम है इट मीन्स आपका जो ये फ्रैक्शंस हैं ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं ओके बी सेवन एंड नाइन यहाँ पर डिनोटर डिफरेंट हैं अलग अलग हैं तो ये फ्रैक्शन आपका लाइफ like फ्रैक्शन नहीं है नेक्स्ट एट एंड एट यहां दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है इट मींस सी आपका क्या है लाइक फ्रैक्शन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट नाइन बार थर्टीन इलेवन बार थर्टीन यहां भी डिनोमिनेटर आपका सेम है थर्टीन एंड थर्टीन सो डी इज लाइक फ्रैक्शन अंडरस्टैंड इस तरह से आपको सर्कल डालना है नेक्स्ट सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन गिवन ब्लू अब यहां पर जो फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं उन सभी में आप यूनिट फ्रैक्शन को सर्कल करेंगे यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स द फ्रैक्शन इज वन जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वन हो वो आपका यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं तो देखिए यहां पर न्यूमरेटर वन है तो ये आपका यूनिट फ्रैक्शन है यहां न्यूमरेटर टेन है ये नहीं है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वन हो वो आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा तो यहां न्यूमरेटर वन है तो ये आपका यूनिट फ्रैक्शन है ओके सी सर्कल इच पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस अब यहां पर भी पेयर दिए गए आपको यहां पर फोर पेयर्स हैं उन सभी में आपको क्या करना है अनलाइक फ्रैक्शन को सर्कल करना है अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वे फ्रैक्शंस आपके अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं यहां देखिए ए में डिनोमेटर फाइव एंड एट तो दोनों डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है तो ये आपका हो गया अनलाइक फ्रैक्शन पेयर ओके फाइव फाइव तो ये सेम है तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है सेवन नाइन दोनों डिनोमे जो डिनोमेटर हैं वो डिफरेंट हैं इट मींस आपका सी जो है पेयर वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन है ओके नेक्स्ट इलेवन एंड इलेवन यहां पर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते स्टूडेंट्स जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से ओके okay? न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो सभी में आप चेक करेंगे जिसका भी न्यूमरेटर छोटा हो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा नंबर ए टू बार थ्री तो टू आपका छोटा है तो ये आपका क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट फाइव बार थ्री तो यहां बड़ा है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है फाइव बार एट यहां पर आपका जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है इट मीनस ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है नाइन बार इलेवन नाइन छोटा है ड्यूमेटर से सो so दिस प्रॉपर फ्रैक्शन सेवन बार वन यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है सभी में आप न्यूमरेटर चेक करेंगे अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वह आपका इम फ्रैक्शन है ओके okay? सी सेवन बार नाइन सेवन आपका स्मॉल है तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है नाइन बार फाइव नाइन आपका बड़ा है तो ये आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन है इलेवन बार सेवन यहाँ भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन है नाइन बार वन नाइन भी बड़ा है तो नाइन बार वन इज इम्प्रोपर फ्रैक्शन अंडरस्टैंड कन्वर्ट दीज मिक्सड फ्रैक्शन इंटू इम प्रॉपर फ्रैक्शंस अब यहां पर जो ये दिए गए आपको आप इनको इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ओके okay. हाउ कैसे सी सोल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर क्वेश्चन योर ए फोर होल नंबर आपका बार थ्री बार एट ओके नेक्स्ट लाइन हाउ टू राइट देखिए बार में क्या आपके पास एट सो so, आप बार बनाएंगे पहले एंड एट ओके ओके स्टूडेंट्स होल नंबर क्या आपका फोर तो पहले आप होल नंबर लिखेंगे इन टू डिनोमिनेटर आएगा आपका एट ओके प्लस न्यूमरेटर अंडरस्टैंड कैसे लिखा हमने पहले हमने एक बार लिया और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखा हमने ओके स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हमने जो होल नंबर है वो यहां रखा इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर ओके नेक्स्ट फोर इंटू एट फोर एट जा थर्टी टू ओके प्लस क्या आपके पास थ्री बार एट अंडरस्टैंड थर्टी टू प्लस थ्री हाउ मच थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी फाइव बार एट ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर बड़ा होता हमेशा ओके स्टूडेंट्स बी सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन एज इट इज फोर होल नंबर टू बार थ्री क्या करना है हमें स्टूडेंट्स जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज हमें नीचे रखना है डिनोमिनेटर क्या आपके पास थ्री ओके नाउ होल नंबर फोर इन डिनोमिनेटर ओके प्लस टर अंडरस्टैंड नेक्स्ट फोर इंटू थ्री फोर थ्री ज्वेल फोर थ्री जा ट्वेल्व नेक्स्ट प्लस टू एंड बार थ्री अंडरस्टैंड नेक्स्ट ट्वेल्व प्लस टू ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन बार थ्री अंडरस्टैंड दिस इज योर इम प्रॉपर फ्रैक्शन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट कन्वर्ट दिस इज इमप्रॉपर फ्रैक्शन इन टू मिक्सड फ्रैक्शन अब आप इनको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कैसे ए सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल write द question. 15 बार 4, ओके नेक्स्ट लाइन आप रफ साइड में जाएंगे स्टूडेंट्स दिस इज योर रफ साइड और इनको डिवाइड करेंगे बार का मतलब डिवाइड भी होता है स्टूडेंट्स 15 को आप 4 से डिवाइड करेंगे फोर फोर जा सिक्सटीन बड़ा होता है फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस फाइव माइनस टू थ्री दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वाटेंट ओके हेयर योर डिनोमिनेटर इज फोर ओके एंड नाउ व्हाट इज योर क्वाटेंट थ्री सो राइट एयर थ्री ओके रिमाइंडर इज थ्री सो राइट है यार थ्री ये आपका रिमाइंडर ये आपका क्वाटेंट ओके दिस इज योर मिक्स नंबर अंडरस्टैंड बी नाइनटीन बार फाइव सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन नाइनटीन बाय फाइव गो इन रफ साइड डिवाइड नाइनटीन बाय फाइव फाइव थ्रीजा फिफ्टीन स्टूडेंट्स अगर हम फाइव का टेबल फोर टाइम्स पढ़ेंगे तो वो इनसे ज्यादा हो जाएगा तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए डिवाइड माइनस होगा बाप का नाइन माइनस फाइव फोर वन माइनस वन जीरो आपका क्या है रिमाइंडर और ये आपका क्वाटेंट ओके डिनोमीटर क्या है आपका फाइव क्वाटेंट लुक हेयर क्वार्टेंट कितना आपका थ्री सो राइट हेयर थ्री एंड रिमाइंडर इज फोर सो राइट हेयर फोर ओके, दिस इज योर मिक्सड नंबर अंडरस्टैंड सी ओके सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन सी ट्वेंटी सिक्स बार एट गो इन लेफ्ट साइड डिवाइड ट्वेंटी सिक्स By एट एट का टेबल काउंट करेंगे एट वन जाट ए टू जा सिक्सटीन एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ओके माइनस सिक्स माइनस फोर टू एंड टू माइनस टू जीरो ओके दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज क्वाटेंट डिरोटर इज एट Quartend three remainder two. This is your mixed number. Understand? So students, yeh thi exercise five point one.